नमस्कार दोस्तों, आज और एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक। तो भाई अभी चल रहा है अपना उड़दा और सोयाबीन की कटाई का सीज़न बहुत ज़ोर तोड़ से, और अभी हैं अपन दूसरे गांव में और जो कि ललितपुर के पास है। और अभी हमें यहां पे हो चुके हैं 6-7 दिन हो चुके हैं। इन 7 दिनों में अपन ने थ्रेसर भी अच्छी चलाई है और यहाँ पर 2 बार बारिश हुई, तो बारिश होने से यहाँ पे अपना ट्रैक्टर भी 2-3 बार फंस चुका है, क्योंकि अपन खेत पर ले जाते थे और वहीं पर किसान की उड़द अपन निकालते थे, और वहाँ पहुँचने के बाद कई जगह तो अभी अपने ट्रैक्टर फंसे रहे, हार्वेस्टर और कई सारे दिक्कत आई यहाँ पे बहुत सारी, क्योंकि बारिश की वजह से अभी उतना काम जोर तोर से चल रहा था और बारिश ने बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया था इस वजह से। और यहाँ पे अभी अपन जा रहे हैं किसान भाई की उड़द निकालने के लिए, जो कि अभी बैठे हुए हैं अपन नहर पर, और दिखाते हैं आपको। ये रही नहर और अपन को जाना है इस तरफ, और इस तरफ अभी गीले हैं खेत। अभी अपन ने 3 ट्रैक्टर निकाल दिए क्योंकि रास्ता है ख़राब और ट्रैक्टर निकालने के लिए थोड़ी समस्या हो रही है, इस वजह से सोच रहे हैं कि और ट्रैक्टर निकल जाए तो अच्छी रास्ता बन जाएगी। तो अभी अपन यहाँ पे बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं और पहुँचते हैं अपन फिर किसान के यहाँ पे, जिसके अपन को उड़द निकाल ली हैं। वहाँ पर अपने 3 किसान निकल चुके हैं और अपना भी ट्रैक्टर निकालते हैं अपन। तो चलो ट्रैक्टर स्टार्ट कर, निकल चुके हैं ट्रैक्टर लेके और दिखा दें आपको रास्ते। अपन फाइनली आ चुके हैं खेत पर और देखो खेत का रास्ता सही है, और अभी देखो यहाँ पे लाके इकट्ठी हो रही है और आधे घंटा ही लगेगा बस अपन को, और इसमें चालू करना है एक ढेर लग रहा है, एक वहाँ पे लग रहा है, 2 ढेर लग रहे हैं अपने, तो इनको 2 को निकालना है। फिर अपन को जाना है इस तरफ सोयाबीन के खेत के आगे, इसकी दूसरी तरफ जाना है, फिर वहाँ पे भी निकालना है। बने रहिए वीडियो में, वीडियो का मजा लीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। भाई साहब हमारे यहाँ पे उधर उड़द निकल रहा है, ऐसा सफ़ेद फफूंदी लग चुकी है, देखो आप फूट चुके हैं पूरे उड़द और ख़राब भी हो चुके हैं, पता नहीं इसका क्या रेट मिलेगा। तो अब इस खेत से अपन निपट चुके हैं और पहुँचते हैं अपन दूसरे खेत में। अब जाना है अपन को वापस गांव से जाना है दूसरी तरफ, वहाँ पर लगी हुई है कटाई,